Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I'm Shivangi Sharma. And here I'm with our sixth chapter of class 11th history, and the name of the chapter is Displacing Indigenous Peoples. So, देखो, नाम सिंपल है और चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. बट इस displacing, displacing का मतलब होता है किसी को उनकी जगह से हटा देना, to remove someone from its place or someone or something, right? Indigenous क्या होता है? Indigenous are natives of a place. So natives कौन होते हैं? Natives basically जो person किसी country में born होता है और उसी country में अपना पूरा life या सब कुछ करता है, so वो native होता है. ठीक है, वहीं पे जन्म लेके वहीं पे बड़ा होता है. ठीक है, so that is a native. For example, I and you are the natives of India because we are born in India and we belong to India. ठीक है, so कैसे जो natives हैं उन लोगों को displace किया गया उनकी जगहों से, that is something that we gonna discuss today. ठीक है, so इस chapter में कुछ aspects हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की native peoples का. ठीक है, बिकॉज 18th सेंचुरी में कुछ ऐसी जगहें थी जैसे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. इस टाइम पे यूरोप ने यहाँ पे जो अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी, इन पे अपना राज सेटअप करना शुरू कर दिया था, जैसे इंडिया में भी किया था, राइट? सो जब इन ये जो यूरोपियन इनहेबिटेंट्स थी कॉलोनीज की, ठीक है, सो अब ये ना यूरोपियन जो उनकी मदर कंट्री थी, ठीक है, सो उनके अंडर ये सारी आया करती थी, तो इन कॉलोनीज को उस टाइम पे स्टेट्स या कंट्रीज बोला गया. ठीक है, सो 19th और 20th सेंचुरी में काफ़ी लोग एशिया से वो माइग्रेट करके दूसरी दूसरी कंट्रीज में जाने लग गए. ठीक है, और काफ़ी यूरोपियंस और एशियंस जो है वो कंट्री मतलब डिफरेंट मतलब बहुत सारी कंट्री है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में यूरोपियंस और एशियंस रह रहे हैं. ठीक है, सो और बट जो नेटिव इनहेबिटेंट है यानी कि जो लोग वहाँ पे बड़े हुए और अभी भी वहाँ पे नहीं है, मतलब नेटिव इनहेबिटेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, जिन्होंने वहाँ पे बॉर्न जहाँ पे उन्होंने जो वो लोग पैदा हुए वो कहीं और जाके शिफ्ट हो गए. ठीक है, सो दैट इज़ वाई देर इज़ अ प्रॉब्लम कि नेटिव लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है, सो यूरोपियन एम्पायरलिज्म, सो जो अमेरिकन एम्पायर है स्पेन और पुर्तगाल का, वो 17th सेंचुरी के बाद एक्सपेंड होना बंद हो गए थे. उस टाइम पे और कंट्रीज थी जैसे फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, उन्होंने काफ़ी जगहों को मतलब काफ़ी एक्सटेंड हुए वो लोग. ठीक है, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और कॉलोनीज एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, मतलब अपना राज दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर करना शुरू कर दिया, जैसे अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, है ना. जो आयरलैंड जगह है वो उस टाइम में इंग्लैंड की जो है वो भी कॉलोनी होती थी. ठीक है, सो जो लैंड ओनर्स है वहाँ के वो उस टाइम पे इंग्लिश सेटलर ही हुआ करते थे. ठीक है, सेटलर्स क्या होते हैं? सेटलर्स वो लोग होते हैं जो दूसरी जगह से आके यहाँ पे सेटल हो जाते हैं. ठीक है, सो देयर आर टू पीपल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट आर द नेटिव्स एंड सेकेंड आर द सेटलर्स. सो हु आर द नेटिव्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड हु आर द सेटलर्स. सो सपोज कोई भी पर्टिकुलर जगह है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इंडिया एंड इट इज़ कैनेडा. ठीक है, सो जब इंडिया से कोई पर्सन माइग्रेट करके कैनेडा में जाके बस जाता है, सो वो इंडियन सेटलर है क्योंकि वो इंडिया कैनेडा में आके सेटल हो चुका है, राइट? वो वहाँ का नेटिव तो नहीं था, वो पर्सन नेटिव तो इंडिया का है बट वो चाइना में जाके सेटल हो गया, डेट इज़ वाई वो सेटलर है. ठीक है, उसको सेटलर बोला जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द टू पीपल्स और टू ग्रुप्स हम बोल सकते हैं विच वी आर गोना डिस्कस इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो 18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया था कि लोग जो है वो मतलब कॉलोनीज एस्टेब्लिश की जा रही है और मतलब जो कंट्रोल है वो भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है. सो साउथ एशिया में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने खुद को पॉलिटिकल पावर बनाया, जैसे इंडिया में उन्होंने बनाया था. याद है इंडिया में किसका राज था? इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी, राइट? ट्रेड करने बाद में उन्होंने हमारे ऊपर राज करना शुरू करा और अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी शुरू कर दी, राइट? सो उनके पास उन्होंने एक वेल ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था कि वो कलेक्ट कर सके टैक्स लैंड ओनर्स से. ठीक है, उन्होंने रेलवेज बनाई ताकि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए. उन्होंने माइंस एक्सकवेट करी और बड़ी बड़ी प्लांटेशन भी एस्टेब्लिश करी. ठीक है, अफ्रीका में जो यूरोपियंस है वो कोस्ट से ज़्यादा ट्रेड किया करते थे एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका. ठीक है, सो
लेट 19th सेंचुरी आते आते उनका वेन्यू जो है, उनका वेंचर जो है, मतलब वो इंटीरियर की तरफ जाने लग गया. ठीक है, पहले तो वो जो है कोस्ट कोस्ट में, यानी कि नदी के किनारे किनारे में, मतलब ओशंस के सॉरी किनारे किनारे में जो ट्रेड करते थे. उसके बाद में जो उन्होंने अपना वेन्यू अंदर इंटीरियर में बनाना शुरू कर दिया, मतलब अंदर की तरफ भी ये लोग जाने लगे. ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि अफ्रीका में आई, वहाँ पर भी अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी अपने लिए. ठीक है, फिर जो वो सेटलर्स है वो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में, मतलब जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो ये वर्ड डच पीपल के लिए यूज़ किया करते थे. ठीक है, जो क्योंकि वहाँ पे डच आके रह गए थे. और आयरलैंड में ये सेम वर्ड इंग्लिश मैंस के लिए, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया जा रहा था. ठीक है, सो देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने एक जगह पे नहीं अपनी कॉलोनी बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी जगहों पे जो अपनी कॉलोनी बनाई थी. सो काफ़ी लोग इनको सेटलर्स बोलते थे, जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड और आयरलैंड. ठीक है, सो इन कॉलोनीज की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश. ठीक है, बट कनाडा में नहीं थी, बिकॉज कनाडा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच. ठीक है, सो अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं. सो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये आर्कटिक सर्कल से शुरू होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, पैसिफिक से अटलांटिक ओशन तक जाता है. ठीक है, अगर हम वेस्ट चेन में देखें सो वहाँ पे जो है रॉकी माउंटेन्स है, राइट, और जो डिजर्ट है वो अरिजोना और नेवाडा के, वहाँ पे डिजर्ट भी है. वेस्ट की तरफ में हम देखें तो वहाँ पे सीरा नेवाडा के माउंटेन्स है, और ईस्ट में है ग्रेट प्लेन्स एंड ग्रेट लेक्स. ठीक है, साथ में मिसिसिपी की वैली और ओयो की भी वैली, उसके बाद अपलाशियन माउंटेन्स. ठीक है, साउथ की तरफ हम देखें तो उधर है मैक्सिको. ठीक है, 40% जो है कनाडा का वो फॉरेस्ट से ही कवर था, राइट, जैसे ऑयल गैस फिर जो मिनरल रिसोर्सेज है वो ज़्यादातर इन्हीं एरियाज में जो है पाए जाते थे. सो इसलिए बाद में USA और कनाडा में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो गई थी. ठीक है, सो आज वीट कॉर्न फ्रूट ये सबसे ज़्यादा, और जो फिशिंग इंडस्ट्री होगी ये सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी कनाडा में ही है. ठीक है, सो ये माइनिंग और माइनिंग इंडस्ट्री और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लास्ट 200 ईयर्स में ही शुरू हुआ था. ठीक है, जब यूरोपियंस इमिग्रेट करके, मतलब इमिग्रेट कर गए, मतलब यहाँ पे दो वर्ड्स है जो हम अभी पढ़े, डैट वॉज माइग्रेट, एक मिनट मैं लिखते हैं. ठीक है, फर्स्ट वॉज माइग्रेट एंड सेकेंड वॉज इमिग्रेट. सो माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और इमिग्रेट का मतलब होता है उस दूसरी जगह से वापस अपनी जगह पे जाना. ठीक है, सो जब यूरोपियन अफ्रीका और चाइना इमिग्रेट कर गया, यानी कि वापस चला गया, उस टाइम पे जो है ये इंडस्ट्री सेटअप हुई गई. ठीक है, बट अभी भी लोग जो नॉर्थ अमेरिका में रहते थे वो यूरोपियन चले तो गए थे, बट उनका एग्जिस्टेंस अभी भी जो है लोगों के अंदर भी बसा हुआ था. ठीक है, नेटिव पीपल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं. सो जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट थी नॉर्थ अमेरिका की वो एशिया से आई थी 30,000 साल पहले. मतलब नॉर्थ अमेरिका जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट है वो कहाँ से? वो एशिया से आई हुई थी. ठीक है, सो जो लैंड ब्रिज थे वो उसे वहाँ से वो आए अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट्स. ठीक है, और उस टाइम पे जब लास्ट आई से जाया था लगभग 10,000 साल पहले, उस टाइम पे वो साउथ की तरफ मूव कर गए थे. ठीक है, सो जो ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट मिलता है अमेरिका में वो है एन एरो पॉइंट, जो कि 11,000 साल पुराना है. ठीक है, सो जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5,000 साल पहले ग्रो करनी शुरू हुई, जबकि जब क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी थी. ठीक है, लोग बैंड्स में रहा करते थे और रिवर वैलीज के अलोंग रहा करते थे. वो मतलब मीट और फिशेस वगैरह ज़्यादा खाते थे, और वेजिटेबल और मेज को भी कल्टिवेट किया करते थे. ठीक है, वो काफ़ी बड़ी बड़ी जर्नीज किया करते थे मीट की तलाश में. बेसिकली चीफली जो बायसन है, बायसन होता है ना, वो खाने के लिए वो ज़्यादा घूमते थे. फिर वाइल्ड बफेलो ये सब कुछ जो है वो खाने के लिए मतलब ढूंढते थे, इन्हीं को मारते थे. बट इनकी एक खास बात थी, ये उतना ही मारते थे जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जानवरों को ये नहीं मारा करते थे. ठीक है, सो इन्होंने एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर शुरू ही नहीं किया, बिकॉज पता नहीं कि बिकॉज उनके पास जो है वो सफिशियंट आ जाता था जानवरों की वजह से. ठीक है, सो कभी उनके पास क्योंकि उन्होंने कभी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं किया, सो कभी उनके पास सरप्लस ही नहीं आया. सो कभी किसी के पास सरप्लस नहीं आएगा. सो ऑफकोर्स वहाँ पे कभी किंगडम भी नहीं सेटअप हुआ. सो किंगडम और एम्पायर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में हमें देखने को नहीं मिले. ठीक है, सो देखो फूड काफ़ी ज़्यादा था, शेल्टर लोगों को मिल जाया करता था. ठीक है, अपनी ही लैंड में जो है वो मतलब
लैंड में कुछ करने के लिए उनको उनको फीलिंग थी कि हाँ वो लैंड हमारी है, सो उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत ही जो इनका इम्पॉर्टेंट एक फीचर है इन लोगों का, वो है एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स। सब गिफ्ट्स किसके साथ एक्सचेंज करते हो? इनका एक आप बोल सकते हो इनका ट्रेडिशन का एक फीचर था कि ये बहुत अच्छी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है, ये फ्रेंडशिप करते थे, ये फॉर्मल अलायंसेस बना दिया करते थे और गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज किया करते थे। सो गुड्स जो है ना वो ख़रीदा नहीं जाता था, गुड्स वर एक्सचेंज बट एज गिफ्ट्स। ठीक है, सो लोगों को गुड्स मिल जाया करता था, इसलिए कभी मार्केट की भी जो इधर पर बात आई नहीं। ठीक है, सो जो लैंग्वेज नॉर्थ अमेरिका में मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में लिखी जाती थी बट उनको मतलब बोली जाती थी बट उनको लिखा नहीं गया कभी भी। ठीक है, सो वो साइकिल्स की तरह मूव करते थे, हर एक ट्राइब का अपना ओरिजिन हुआ करता था। ठीक है, ये स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे और काफ़ी अच्छे टेक्सटाइल्स भी ये लोग बनाया करते थे। ठीक है, ये ना लैंड पढ़ सकते थे। लैंड पढ़ सकने का मतलब है कि ये लैंड को देख के बता देते थे कि हाँ इस लैंड में अच्छी कल्टीवेशन होगी कि नहीं होगी, ये क्लाइमेट समझ सकते थे और डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप के अकॉर्डिंग जो है ये लोग मतलब जज कर लेते थे, इनको इतनी नॉलेज हुआ करती थी। ठीक है, सो ये जितने मतलब लिटरली पीपल को पता होता था ना उतना जो है ये ऐसे देख के अपने एक्सपीरियंस की तक कि उसमें चीज़ें बता दिया करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनकाउंटर्स विद यूरोपियंस। सो 17वीं सेंचुरी में जब यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वाले कोस्ट में आए, ठीक है, एक दो मंथ का लंबा सफ़र करके, सो उनको काफ़ी रिलीफ मिला बिकॉज़ वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो नेटिव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और वेलकमिंग थे। ठीक है, जबकि साउथ अमेरिका में जो स्पेनिश है वो स्पेनिश लोग थे वो ऐसे नहीं थे। ठीक है, सो उनको ये लग रहा था कि ये लोग गोल्ड चुराने आएंगे, सो उनको काफ़ी मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिला। सो ये जो एडवेंचर था इसमें इन्होंने फ़िश और फर्स के साथ ट्रेड करना शुरू करा। ठीक है, और बिकॉज जो नेटिव्स थे वो इनकी हेल्प किया करते थे हंटिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी मतलब फ़िश और फर्स इन्होंने काफ़ी सारे इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, सो मिसिसिपी रिवर साथ में जा रही थी। ठीक है, सो मतलब साथ में ही चलती थी। सो जो फ्रेंच थे उन्हें उन्होंने देखा कि ये लोग ना रेगुलर गैदरिंग करते हैं ताकि ये अपने हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, और उन फूड आइटम्स को यहाँ दे सके जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो अब यूरोपियंस ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने ये चीज़ें लेनी शुरू करी और बदले में नेटिव्स को ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स, गन्स, बोज एंड एरोज और अल्कोहल जैसी चीज़ें देना शुरू करें। ठीक है, सो ये जो चीज़ें थी ना ये लोगों को इनके बारे में पता नहीं था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी ना कि नेटिव्स बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो गए, जिसकी वजह से जब यूरोपियंस को मतलब वो यूरोपियंस के पास ही आएंगे बार बार वो चीज़ मांगने, जैसे टोबैको हो गया, टोबैको की वजह से जो नेटिव्स है वो काफ़ी ज़्यादा अडिक्ट हो गए थे। ठीक है, सब ये बार बार जो है यूरोपियंस के पास ही आके अपनी कीमती चीज़ें देख के जो है टोबैको खरीदने लग गए थे। ठीक है, म्यूचुअल परसेप्शन। सो 18वीं सेंचुरी में जो वेस्टर्न यूरोप था उन्होंने डिफाइन करा कि जो सिविलाइज्ड पीपल है ना मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वही सिविलाइज्ड होते हैं। ठीक है, और जो अमेरिकन थे उन्होंने बोला कि मतलब और इन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका के जो भी नेटिव्स हैं ये काफ़ी सारे अनसिविलाइज्ड हैं। ठीक है, बट एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था जीन जैकस रूसो, उन्होंने बोला कि ये लोग मतलब अभी सिविलाइजेशन के करप्शन से बहुत ही ज़्यादा अनटच्ड है। ठीक है, मतलब देखो अगर आप बोलोगे कि हाँ हम लोग सिविलाइज है जैसे इन्होंने बोला, तो इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया निकाले कि हाँ हम लोग लिटरेट है, हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, हम लोग अच्छा अच्छे तरीके से बोलते हैं, अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं। ठीक है, बट एक ऐसे फिलोसोफर आए जिनका नाम था रूसो। ठीक है, सो रूसो ने बोला कि ये लोग सबसे ज़्यादा प्योर और सबसे ज़्यादा एडमायरेबल है। क्यों? क्योंकि ये ना इस करप्शन से दूर है अभी तक, वो जैसे हैं वो बिल्कुल प्योर हैं। ठीक है, सो उन्होंने उनके लिए एक टर्म यूज़ करा जिसका नाम था नोबल सैविज। ठीक है, सो इंग्लिश पोइट्स जैसे विलियम वर्ड्समैन उन्होंने भी दिखाया और पर्सपेक्टिव बताया, वो ना रूसो किसी नेटिव अमेरिकन से मिले थे बट उनका मानना ये था कि उनकी लिबर्टी है, उनके पास वो फ्री हैं, सो उनकी उनके पास जो है वो ग्रेस भी है। ठीक है, सो इस बेसिकली मीनिंग इनकी बातों का ये हुआ करता था कि ये लोग जो है ना ये नेचर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, भले ही इनकी पावर लिमिटेड है बट इनकी इमेजिनेशन और जो इमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है,
ऐसे इन्होंने ये बातों को अपनी बातें आगे रखी थी। नेटिव्स के लिए वो जो गुड है वो यूरोपियंस मतलब एज अ गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे थे फ्रेंड्स के, मतलब फ्रेंडशिप में जैसे आप गिफ्ट एक्सचेंज करते हो, बट ये यूरोपियंस इतने चंट चालाक लोग, इनके पीछे का मकसद क्या था? इनके पीछे का मेन मकसद था कि ये पैसा कमा सके जितना ज़्यादा हो सके। सो उन्होंने क्या किया, जो ये भी नेटिव्स इनको अपनी इच्छा से फर और फिश और फर्स गिफ्ट किया कर रहे थे, इन्होंने ना ये मार्केट में जाके बेचना शुरू कर दिया, बिकॉज़ वहाँ पे ये चीज़ें मिलती नहीं थी। सो इन्होंने जो है हाई प्राइस में इस चीज़ों को जो है देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो जो नेटिव्स है उधर पे तो मार्केट का कोई सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि वो जो आपस में डिस्कस करनी चीज़ें शुरू कर लेते थे, ठीक है। ये जो लोग थे ये यूरोप में जाके जो ये चीज़ें बेचना शुरू करा इन लोगों ने, ठीक है। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ना वो खुद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि क्योंकि कभी ये लोग बहुत सारी चीज़ें ले आते थे, कभी ये कुछ चीज़ें लाते ही नहीं थे। अब लोगों को मतलब अब यूरोपियंस का जो ग्रीड था ना वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब उनको इतनी इम्पेशेंस हो गई थी ना कि उनको फर्ज इकट्ठा करना है, कि उन्होंने बहुत सारे जानवर्स को मारना शुरू कर दिया साथ साथ में। बट नेटिव्स के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनईजी थी, बिकॉज एनिमल की फियरिंग ना अब डिस्ट्रक्शन में जो है बाद में उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम इतने जानवर मारेंगे तो आगे जाके जो है वो डिस्ट्रक्शन आ सकता है, ठीक है। ये कुछ फर्स्ट यूरोपियंस थे जिन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी, ठीक है, जो कि अमेरिका में सेटल होने के लिए आए थे। बट 17th सेंचुरी में काफ़ी ऐसे ग्रुप्स थे यूरोपियन के जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना शुरू करा, बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स डिवाइड हो गए थे, जैसे हमने पढ़ा था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, ठीक है। उस टाइम उसके लिए भी इनकी वजह से आपस में ही कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक काइंड ऑफ लड़ाई चल रही होती थी, ठीक है। काफ़ी उन्हें यूरोप छोड़ दिया और वो अमेरिका में जाके जो है नई लाइफ जीने लग गए थे, ठीक है। इसलिए जो लोग यहाँ पे सेटल होने आए थे। देखो जब जब तक लैंड वेकेंट थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ग्रेजुअली जब यूरोपियंस आए उन्होंने ना मतलब जब जब वो बाहर बाहर कर रहे थे मेन सिटीज़ में या फिर कोस्टल एरियाज में, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट धीरे धीरे ये अंदर आने लग गए और जो नेटिव विलेजेस थे उधर ये आने लग गए। उस टाइम पे इन्होंने आयरन टूल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि ये फॉरेस्ट को काट सके और वहाँ पर जो है बड़े बड़े फार्म्स बना सके, ठीक है। जो नेटिव्स थे और जो यूरोपियंस थे इन्होंने उनको ना अलग अलग चीज़ों से उन्होंने देखा कि ये फॉरेस्ट के साथ क्या हो रहा है। नेटिव्स को लगा कि यूरोपियंस ये जो चीज़ कर रहे हैं कि मतलब नेटिव्स को ये चीज़ समझ नहीं आई, उनको पता नहीं था बेसिकली यूरोपियंस ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, है ना। बट यूरोपियंस ने जब सारी फॉरेस्ट तोड़ दी, मतलब सारे फॉरेस्ट हटवा दिए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कॉर्न फील्ड्स बनवा दी, ठीक है। ये जो चीज़ थी ये लोगों को ऑफकोर्स समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। अब जो यूरोपियंस था उनका मोटिव यही था कि हम कॉर्नफील्ड इधर बनवाएंगे क्योंकि उधर कॉर्नफील्ड इतना नहीं होती है, ठीक है। अब जो कंट्री है जिसका नाम है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो 18th सेंचुरी के एंड में एग्जिस्टेंस में आई, मतलब 18th सेंचुरी से पहले ये कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। जब 18th सेंचुरी का एंड होने वाला था उस टाइम पर जो है ये कंट्री बनी थी, ठीक है। उन्होंने मतलब जितनी लैंड अभी इन कंट्रीज़ के पास है, जैसे हमें पता है कि यूएसए काफ़ी बड़ी कंट्री है, कनाडा भी काफ़ी बड़ी कंट्री है, बट जब ये कंट्रीज़ बनी थी ना तब उनके पास इतनी लैंड नहीं थी, इसके भी फ्रैक्शंस पे मतलब इसके भी डिवीजन्स में लैंड थी, मतलब बहुत ही कम जो इनके पास लैंड थी। आज जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाइड है, ठीक है, उन्होंने लैंड जो है बढ़ा दी है, बट पहले इतनी लैंड उनके पास नहीं हुआ करती थी, ठीक है। धीरे 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 उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सटेंड करा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में और आज जाके जो है वो इस प्रेजेंस है इसमें वो आ गए, ठीक है। लार्ज एरियाज ऐसे हैं जो कि यूएसए ने खरीदे और काफ़ी ऐसे हैं जो कि उन्होंने लड़ाई करके जीते, जैसे फ्रांस हो गया और रशिया से उन्होंने खरीदी थी लैंड, किसने, यूएसए ने, ठीक है। यूएसए ने किन किन कंट्री से लैंड खरीदी थी, डैट वॉज फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। बट यूएसए ने सेम एक कंट्री से लैंड जीती थी लड़ाई करके, डैट वॉज मैक्सिको, एक मिनट, मैक्सिको, ठीक है। देखो जब जो वेस्टर्न फ्रंटियर था यूएसए का वो ना शिफ्ट होता रहता था, वो चेंज होता रहता था, ठीक है। कभी नेटिव्स को फोर्स किया जाता था कि वो वापस जाए, कभी उनको फोर्स किया जाता था कि वो शहर की तरफ चले जाएँ, ठीक है। देखो अमेरिका के जो लैंडस्केप था ना वो 19th सेंचुरी में बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ, बिकॉज अब
जो यूरोपियंस है ना वो नेटिव से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से लैंड्स को ट्रीट कर रहे थे, मतलब तो नेटिव जो लैंड में क्या कर रहे थे, यूरोपियन इससे बहुत ही ज़्यादा उल्टी चीज़ें कर रहे थे। जैसे काफ़ी ऐसे ब्रिटेन के माइग्रेंट्स थे और फ्रांस के माइग्रेंट्स थे जिनको मतलब उनकी यंगर सन की लैंड नहीं मिली, मतलब यंगर सन को उनकी लैंड नहीं मिली, उनको फादर की प्रॉपर्टी में नहीं मिली, ठीक है, बिकॉज वो लोग माइग्रेट कर चुके थे। बाद में इमिग्रेंट्स की ऐसी वेव आई जैसे जर्मनी, स्वीडन और इटली में, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े फार्मर्स ने जो अपनी लैंड खो दी, ठीक है। अब उनको ऐसे फार्म्स चाहिए थे जो कि वो खुद वो कर सके। सो पोलैंड के ऐसे लोग थे जो कि काफ़ी खुश थे प्रेरी की ग्रासलैंड्स में काम करना, बट उनको याद आ रहा था कि उनका घर जो है वो स्टेपीज में है, ठीक है। सो उन्होंने अब काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बहुत ही लो प्राइजेस में ख़रीदना शुरू कर दी, उन्होंने लैंड को क्लियर करना शुरू करा और वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर डेवलप कर दिया, ठीक है। उन्होंने नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी जैसे कि राइस और कॉटन, ठीक है, जो कि यूरोप में नहीं उगाई जाती है। सो ये यहाँ पे उगा के जो है यूरोपियंस यूरोप में जाके जो है हाई प्राइस भी उनको बेचा करते थे, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स हो गए जैसे वुल्फ्स और माउंटेन लाइन, इनको भी इतना ज़्यादा हंट किया गया कि ये ख़त्म होने वाले थे, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अब लोगों को चल रहा था पता कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वो लोग अब इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो सदर्न रीजन का जो क्लाइमेट था ना वो यूरोपियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हॉट था कि वो बाहर भी आउटडोर जो है वो काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो साउथ अमेरिकन कॉलोनीज का जो एक्सपीरियंस था वो उस टाइम पे देखा कि उस टाइम पे काफ़ी नेटिव्स की डेथ हो गई थी बहुत ही लार्ज नंबर में। सो जो प्लांटेशन ओनर्स थे उन्होंने अफ्रीका में ले जाके जो है स्लेव्स मतलब वो नौकरों को जो है उन्होंने उस टाइम पे स्लेव ट्रेड शुरू हो गया था, ठीक है। बट काफ़ी ऐसे एंटी स्लेवरी ग्रुप्स थे जो कि स्लेव ट्रेड के खिलाफ थे, बिकॉज उस टाइम पे जो अमेरिकन थे वो अफ्रीका में जो है उनको ले जाया जा रहा था, ठीक है। सो जो अफ्रीकन थे जो यूएसए में थे वो अभी भी स्लेव ही थे और उनके बच्चे भी आगे जाके स्लेव ही बने वहाँ पे। सो यूएसए के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे इकोनॉमी प्लांटेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। सो उन्होंने भी बोला कि स्लेवरी बंद करो और बिकॉज ये बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है, ठीक है। सो 1861 में और 65 में ऐसी वॉर लड़ी गई, एक इंटर वॉर लड़ी गई कंट्री के अंडर अंडर, जहाँ पे जो दो लोग दो ग्रुप्स के बीच में हम बोल सकते हैं लड़ाई हुई, जहाँ पे एक ग्रुप वो था जो चाहता था कि स्लेवरी ख़त्म हो जाए और एक ग्रुप चाहता था कि स्लेवरी ख़त्म ना हो, ठीक है। सो बाद में काफ़ी बड़ी लड़ाई चली बट एंड में स्लेवरी हटा दी गई थी। फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको मतलब सिविल लिबर्टी के लिए लड़ाई लड़ी गई ताकि जो वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में जो सेग्रीगेशन चल रहा है, जो डिवीजन चल रहा था स्कूल में भी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। सो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो कि काफ़ी बड़े टाइप में सॉल्व नहीं हुई, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन आ गया नेटिव्स के मन में कि 1763 में जो कनाडा है वो ब्रिटिश से वन बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर अ वॉर विद फ्रांस, ठीक है। सो जो फ्रेंच सेटलर्स थे वो रिपीटली डिमांड कर रहे थे कि ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस क्या है वो बताओ। सो ओनली 1867 में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की गई बाय कुछ ऐसे ऑटोनोमस स्टेट्स आए और उनको कन्फेडरेशन भी उनकी की गई, ठीक है। सब जो नेटिव पीपल्स हैं उनकी लैंड कैसे खो गई, यूएसए में जो सेटलमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, ठीक है। सो काफ़ी लोगों को ज़बरदस्ती उनकी ट्रीटीज़ में साइन करवा दिया गया और जो प्राइस उनको पे किया गया वो बहुत ही ज़्यादा कम था, ठीक है। सो जैसे जो अमेरिकन है हाँ फॉर इंस्टेंस द अमेरिकन वो चीट कर रहे थे इनको, मतलब उनको चीट किया जा रहा था और उनको मतलब उनकी लैंड उनसे ले ली जा रही थी बहुत ज़्यादा और उनको जो पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम की जा रही थी, ठीक है। जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा और उनको ऐसा लगा कि जो नेटिव पीपल है वो क्या कर रहे हैं, वो लैंड बर्बाद ही कर रहे हैं, ठीक है। सो वैसे ही जॉर्जिया का एक एपिसोड हुआ, एक सीनेरी हुआ जब जॉर्जिया यूएसए की एक स्टेट है, ठीक है, जबकि मतलब जो चेरोकी ट्राइब है गवर्नमेंट की, उन्होंने बोला कि उनको उतने उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे जितने राइट्स जो वो बाकी सिटीजन को मिल रहे हैं। सो 1832 में ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ली गई उस टाइम के यूएस चीफ जॉन मार्शल के अंडर और उन्होंने बोला कि जो चार चेरोकीज़ है वो ना एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, वो अलग हैं, ठीक है, उनकी अपनी टेरिटरी है और उनके अपने मतलब लॉ हैं, ठीक है, वो अगर उनको जॉर्जिया की लॉ को फॉलो करना है या नहीं करना है
ठीक है, उनकी अपनी मतलब उनके पास जो है वो फोर्स भी नहीं है, ठीक है। सो जो सवर्निटी है जो वो अभी भी मैटर कर रही थी, सो जो US प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने एक फाइट लड़ी अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस। सो फिर वो इंडिया के फिर वो इंडिया में आए एक डिफरेंट पर्सन बन के। सो उन्होंने चीफ जस्टिस जजमेंट का जो ऑनर है वो लेना रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। सो और उन्होंने US आर्मी को ऑर्डर करा कि जो भी चेरोकीज़ है उनको लैंड से अरवेक्ट किया जाए और उनको ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में फेंक दिया जाए, मतलब उनको उनके लैंड से हटा के ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में छोड़ा है, ठीक है। सो उस टाइम पे जो लैंड थी जो ट्राइब्स ने ऑक्यूपाई करी हुई थी, उस टाइम पे नेटिव्स उनको ये बोल के हटा दिया गया कि जो नेटिव्स हैं उनको लैंड को संभालना नहीं आता है, सो वो डिजर्व भी नहीं करते हैं, ठीक है। उनको बोला गया कि वो बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं बिकॉज उनके पास इतनी सारी स्किल्स है बट फिर भी वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे ताकि वो उनको मार्केट में बेच सकें, ठीक है। और उन्होंने बोला ना ही वो इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ना ही उनको अच्छे से वो ड्रेस होना चाहते हैं, ना उनको अच्छे से मतलब ड्रेसिंग सेंस है, सो उनको मर जाना ही चाहिए बेसिकली, वो किसी काम के नहीं है। फिर उन्होंने फॉर्मलेट को क्लियर करा, काफ़ी वाइल्ड बाइसन को मार दिया गया और जो प्रिमिटिव मैन थे वो डिसअपियर हो गए, ठीक है। उस टाइम पर अब हम आते हैं गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। सो देखो नॉर्थ अमेरिका में ना एक एक शुरू से लोगों के दिल में एक आस थी कि ना नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारा गोल्ड है। सो 1840s में ये गोल्ड को ढूंढना शुरू कर दिया गया जो कि USA में मिला जाता था, ठीक है, बेसिकली इन कैलिफोर्निया। सो इसकी वजह से गोल्ड रश हुई, काफ़ी लोग काफ़ी यूरोपियंस थे वो अमेरिका में आ गए ताकि वो अपना फॉर्च्यून बना सके, इतने लालची थे ना ये लोग। सो उन्होंने रेलवे लाइन्स बिल्ड करना शुरू करी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से काफ़ी चाइनीज वर्कर्स उनको रिक्रूट किया गया और वो यहाँ के जो है वो ये माइनिंग वगैरह उन्होंने शुरू करी। सो जो USA की रेलवे है वो भी कंप्लीट कर दी गई, मतलब इनका आप देख रहे हो कि मतलब बस हम लोग हारे ना, उसके लिए उन्होंने क्या क्या शुरू करना कर दिया, उन्होंने जो है वो रेलवेज भी बनाई, उन्होंने कितना सब कुछ करा, ठीक है। सो क्यों बेसिकली सबके पीछे का मेन रीज़न क्या था, इन सब के पीछे का मेन रीज़न ये था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गोल्ड मिल जाए, राइट। सो हाँ 1885 आते आते कनाडा में भी जो है वो चीज़ मतलब उनकी ये बन चुकी थी, रेलवेज बन चुकी थी, ठीक है। जो रीज़न है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में वो था बिकॉज जो स्मॉल पीजेंट थे, जो छोटे छोटे पीजेंट्स थे ना, उन्होंने अपनी लैंड खो दी, ठीक है। सो अब वो क्या कर रहे थे, अब वो इसकी जॉब में इसी की तलाश में आ रहे थे कि उनको अब कैसे तो कोई उनको मतलब लैंड मिलेगी, अगर उनको लैंड लैंड तो उनकी जो है सारी छीन ली गई। सब उनका मेन यही था कि अब वो फैक्ट्रीज में जाके काम करेंगे बिकॉज फैक्ट्रीज में जो है तो शायद वो फैक्ट्रीज में जो उनका वो जॉब मिल जाए, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका में उस टाइम पे जो रेलवे इक्विपमेंट्स है वो भी मतलब देखो उस टाइम पे रेलवे भी चल रही थी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही थी। सो उनको क्या क्या बनाना है, उनको उनकी कैसी कैसी नीड है उस चीज़ के लिए, बेसिकली उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी चीज़ें थे वो सारी मैन्युफैक्चर हो रही थी, ठीक है। सो इसलिए जो है वो चीज़ों का लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और लोगों ने बोला कि ठीक है हमें जॉब चाहिए, तुम लोग हमें जॉब दो, ठीक है। सो काफ़ी फैक्ट्रीज थी वो मल्टीप्लाई होती रही USA और कनाडा में, बट 1860s के टाइम पे जो USA है वो काफ़ी अनडेवलप्ड कंट्री थी, कब 1860s के टाइम पे। और 1890s आते आते वो जो है वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन चुकी थी, ठीक है। सो कितना टाइम है आपको क्या लगता है कितने टाइम स्पेन है, ये सिर्फ 30 ईयर्स, 30 साल में US ने इतनी बड़ी जंप मारी जिसकी वजह से वो लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन गई, ठीक है। सो लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर एक्सपेंड किया जा रहा था, काफ़ी बड़ा बड़ा एरिया क्लियर कर दिया गया और फॉर्म्स को भी डिवाइड कर दिया गया 1890s आते आते, ठीक है। सो उसकी वजह से काफ़ी यूरोपियन सेटलर्स थे वो भी काफ़ी डिमांड मतलब उनको लगा कि हाँ चीज़ें हो रही है, सो वो वहीं रहे। सो फ्यू ईयर्स में जो USA है उन्होंने USO ने अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी हवाई और फिलीपींस में, ठीक है। सो USA ने बोला जैसे हमारे साथ हुआ था वैसे ही हम भी करेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी ना उस टाइम पे बहुत सारी जो है वो रैलीज वगैरह निकलनी शुरू कर दी जहाँ पे
फाइट चल रही थी इंडिपेंडेंस के लिए 1770s में, ठीक है। सो उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो यूएसए है ना वो मनार्कीज के अगेंस्ट लड़ाई कर रही है और जो ये पुराने ज़माने का एरिस्टोक्रेसीज है इसको भी हटाने की डिमांड कर रही है। उसके बाद ये बेसिक डिमांड रख रही थी कि राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए लोगों के पास, मतलब अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास आएगी, वो बच्चों के पास ही जाएगी ना, तो वो राइट भी लोगों के पास होना चाहिए। बोथ डेमोक्रेटिक राइट्स और राइट टू प्रॉपर्टी ये दोनों जो है ये सिर्फ वाइट मैंस के लिए थी। इधर भी डिस्क्रिमिनेशन इतना था कि वाइट मैन को ज़्यादा मतलब हर चीज़ दी जा रही थी। डैनियल पॉल एक कैनेडियन नेटिव, उन्होंने ना 2000 प्रिंट आउट निकाले थॉमस पेन अ चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी एट द टाइम ऑफ वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। और उसकी वजह से उन्होंने इंडियन मॉडल्स का भी हेल्प ली, उन्होंने दिखाया कि कैसे इंडियंस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वैसे हमें भी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। द विंड ऑफ चेंज, अब चेंज कैसे आया, देखो 1920s आते आते जो है चीज़ें थोड़ी थोड़ी मतलब 1920s तक चीज़ें कुछ नहीं बदली, बट 1920s के बाद यूएसए और कनाडा के जो नेटिव पीपल हैं उनकी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी। देखो जो वाइट अमेरिकन थे ना उनको थोड़ी सिंपथी फील हो गई कि यार ये हम बुरा कर रहे हैं, यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है हम ना तुम्हें एक बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप, तुम सिटीजनशिप ले सकते हो, तुम यहाँ के सिटीजन बन सकते हो, ठीक है। सो जिसकी वजह से यूएसए का जो लैंडमार्क लॉ है उसमें इंडियन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 1934 में, जहाँ पे नेटिव्स को अब जहाँ पे नेटिव जो है अब अपनी लैंड खरीद सकते थे, दे कैन बाय और टेक लोन्स, वो लोन्स भी उस टाइम पे ले सकते थे, ठीक है। सो 1950s और 60s पे सो जो यूएस और कनेडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा कि ना हमें ना सारे ये सोशल प्रोविंशियस हटा देने चाहिए जो नेटिव्स के लिए हैं, और ताकि जो वो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर सके और यूरोपियन कल्चर को वो अपना ले, ठीक है। ऐसा लोगों का मानना था कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसके बाद जो नेटिव्स थे वो ऑफकोर्स ये चीज़ नहीं चाहते थे। सो 1954 में एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट एक्ट आया, जो कि एक नेटिव पीपल थे उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ हम यूएसए की सिटीजनशिप तो ले लेंगे, बट उनका जो ट्रेडिशन है ना वो उनके साथ ही रहना चाहिए, उनका ट्रेडिशन कहीं ना जाए। ऐसा डेवलपमेंट बाद में जो है वो कैनेडा में भी देखने को मिला, ठीक है। सो जो नेटिव्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है और इन अपनी सारी अपोजिशन मूव को ऑर्गेनाइज करा और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन और डिबेट्स भी करी, ठीक है। अब लोगों के दिल में ना क्वेश्चन आने लग गया और 1982 में जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एक्सेप्ट किया गया तब काफ़ी राइट काफ़ी नेटिव्स ने जो है वो ट्रीटी राइट के बारे में भी बात करी थी उस टाइम पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सो देखो जो अमेरिकन ह्यूमन हैबिटेंट है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो इतना कुछ खास ज़्यादा नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है। देखो एक टर्म है एबोरिजिनेस, ये जनरल टर्म यूज़ की जाती थी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है। सो 14,000 ईयर्स पहले काफ़ी सारे जो है मतलब सोसाइटीज़ उस टाइम पे बननी शुरू हो गई थी। न्यू जीनिया नाम की चीज़ जगह आई, ठीक है, जिसकी वजह से अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक लैंड ब्रिज से जो है वो जुड़ चुका था, ठीक है। जो टर्म थी एब्रोगनी, ठीक है, वो मतलब उस टाइम पे बिलीव किया जाता था कि जो लोग माइग्रेट करके आते हैं ना किसी और से और किसी और डिफरेंट रेस को बिलोंग करते हैं वो जो है वो एब्रोगनी होते हैं। सो टुगेदर ये लगभग 24% थी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का, मतलब 2.4% आप मान लो वो जो लोग थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे ही नहीं, ठीक है। सो जो स्टोरी है ये यूरोपियन सेटलर्स के बीच में इंट्रैक्शन की, ठीक है, मतलब जो नेटिव पीपल थे और जो लैंड थी ऑस्ट्रेलिया की वो ना बहुत ही सिमिलर स्टोरी है जैसे अमेरिका में थी, ठीक है। वो भी लगभग 300 साल पहले आए और एक इनिशियल रिपोर्ट है कैप्टन कुक की, और उन जब उनका क्रू एनकाउंटर हुआ नेटिव्स के पास तो बहुत ही मतलब फ्रेंडलीनेस की उधर भी भावना थी, लोग बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, ठीक है। सो बहुत ही शार्प रिवर्सल देखने को मिला फीलिंग्स में जब उनको पता चला, जब कुक को एक नेटिव ने मार दिया उस टाइम पर जो है ब्रिटिशर्स के दिल में काफ़ी सारी जो है वो चेंज आ गई थी, ठीक है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बट हवाई में जो है ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। सो अब 19th
और 20th सेंचुरी में लगभग 90% जो लोग हैं वो जर्म्स की वजह से हार गए थे। बिकॉज जैसे हमने पढ़ा, जब भी नई जब ट्रेड होती है तो ट्रेड के साथ बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी आइडियाज़ भी आते हैं, तो डिजीज़ की वजह से अराउंड 90% लोग जो है वो मर चुके थे। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था कि ब्राज़ील में सेटलिंग होगी पोर्टुगीज़ के साथ साथ, उसके साथ साथ जो है बहुत ही वायलेंट बिहेवियर आ गया लोगों के अंदर। जो नेटिव्स थे उन्होंने बोला कि बस अब जो हम ये चीज़ नहीं झेलेंगे। सो ब्रिटिशर्स ने सेम प्रैक्टिस अडॉप्ट करके रखी है अमेरिकन कॉलोनीज़ के टाइम, कॉलोनीज़ के साथ, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ठीक है। साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी जो है सेम चीज़ कंटिन्यू हो रही थी। काफ़ी अर्ली सेटलर्स थे, उन्होंने कन्विक्ट करा कि मतलब उन्होंने बोला कि इंग्लैंड से वो लोग डिपोर्ट करने लग गए थे, ठीक है। जब जेल टर्म एंड हुई तब जो लोग थे उनको फ्री कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, और जो कंडीशन थी वो इस तरह से नहीं थी कि वो वापस ब्रिटेन में जाए, ठीक है। फिर वो वहीं आके बस गए, वो सेटलर हो गए, ठीक है। अब लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, अब उनको कोई हेसिटेशन भी नहीं थी, क्योंकि अब जो नेटिव्स है वो जो है कल्टिवेशन का भी ऊपर भी ध्यान देने लग गए थे, ठीक है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई ऑस्ट्रेलिया की वो यूरोपियन सेटलमेंट के अंदर हुई थी, ठीक है, जो कि अमेरिका में नहीं, कुछ खास वेरिड नहीं थी। कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस थे जो कि कंट्री के प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जिन्होंने की। जब स्टेट्स यूनाइटेड हो गए थे उस टाइम पे एक कैपिटल बनी, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड कि नई कैपिटल कहाँ बनेगी, ऑस्ट्रेलिया में 1911 में, और जो नेम है वो सजेस्ट किया गया वूल व्हीट गोल्ड, अल्टीमेटली इट वॉज कॉल्ड कैनबेरा, ठीक है। कुछ ऐसे नेटिव्स थे जो कि फार्म्स में एम्प्लॉयड थे, ठीक है। कुछ ऐसे थे कि जो स्लेवरी में थे। बाद में जब चाइनीज़ इमिग्रेशन हुआ तो चीप लेबर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया था कैलिफोर्निया में, ठीक है। बट स्टिल एक अनहीज था कि मतलब देखो, जैसे हमने पढ़ा कि नॉन वाइट्स जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के ऊपर और इन के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो उन्होंने बोला कि जो चाइनीज़ इमिग्रेशन है ना, इसको बैन कर दो। सो टिल 1947 में जो बहुत ही पॉपुलर फियर था कि जो डार्क पीपल है साउथ एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया के, वो ऑस्ट्रिया को माइग्रेट कर जाएंगे, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कीप नॉन वाइट पीपल की जो है वो बना दी, ठीक है। एक बोल सकते हो कि लोगों ने उनको नॉन वाइट लोगों को सपोर्ट करना शुरू करा। इधर पर कैसे चेंजेस आए कि 1968 में लोगों ने सर्टिफाई करा एक लैक मतलब एक एक इलेक्टिफाइड थे, ठीक है, एक लेक्चर था जिनका नाम था एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने करा था उसको लेक्चर को इलेक्ट्रीफाई, जिसका नाम था WEH स्टेनर, और उन्होंने एंटाइटल करा द ग्रेट ऑस्ट्रियन साइलेंस, द साइलेंस ऑफ ऑस्ट्रियन एंड अबाउट द एबरोगिनीज, ठीक है। उस टाइम पे जो लोग थे उनको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने की इतनी कुछ खास इच्छा तो नहीं थी, ठीक है, बट लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी थी कि जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनका यूनिक तरीका है, उनका उनका नेचर को, अगर क्लाइमेट को समझना है तो एंथ्रोपोलॉजी और ये जो भी चीज़ें हैं ये हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ताकि वो चाह रहे थे कि उनका जो कल्चर है उसको भी रिस्पेक्ट मिले और उसको भी रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। सिंस उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने मतलब नेटिव कल्चर, गैलरीज, आर्ट, इन सब चीज़ों को जो है वो दिखाना शुरू करा। डिफरेंट डिफरेंट डायोरमास, इमेजिनेटिवली डिज़ाइंड रूम्स नेटिव कल्चर के, जहाँ पे वो नेटिव कल्चर को एक्सप्लेन कर रहा था, ये सब कुछ भी शुरू हो गया, ठीक है, उस टाइम पे। 1994 के बाद मल्टी कल्चरलिज्म आ गया, ठीक है, और वो ऑस्ट्रिया की एक ऑफिशियल पॉलिसी बन गई जो कि हर एक नेटिव कल्चर को इक्वल रिस्पेक्ट देता था, ठीक है। डिफरेंट कल्चर के जो इमिग्रेंट्स हैं वो यूरोप और एशिया से उस टाइम पे आ गए थे, ठीक है। 1970s में एक टर्म आई ह्यूमन राइट, ये उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होने लगी उनों की मीटिंग्स के अंदर। जो ऑस्ट्रेलियन रिपब्लिक है उन्होंने रियलाइज करा कि USA, कनाडा और न्यूजीलैंड के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ट्रीटीज़ नहीं है। जो नेटिव फॉर्मलाइज हो रहे हैं वो जो है यूरोपियन की यूरोपियन मतलब जो लैंड है वो यूरोपियन टेक ओवर कर रहे हैं। बाद में उन्हें ये चीज़ें समझ आई और उन्होंने जो है इसके बारे में भी बात करनी शुरू करी। उन्होंने गवर्नमेंट ने हमेशा ये बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो लैंड है वो है 13 न्यू ईयर्स, मतलब ये किसी को भी बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। बाद में जो एग्रीटेशन था वो ये क्वेश्चन अराइज होने शुरू हो गए कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो क्यों नहीं लिए जा रहे हैं,
पहले कि नेटिव्स को एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक बॉन्ड रिकॉग्नाइज करना और उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उनकी हर एक चीज़ों को रिस्पेक्ट करना, ठीक है। सो जैसे मतलब उन्होंने लोग ये बोल रहे थे कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको तो चेंज नहीं किया जा सकता है, बट जो नई चीज़ें आ रही है उनको इस तरीके से बताऊँ कि जो बच्चों हैं एटलीस्ट बच्चों के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बच्चों को तो पता चले कि ये चीज़ें जो है ये इनजस्टिस है। सो जो चीज़ें हो गई वो तो हो गई, अब आने वाले टाइम पे ऐसा टाइम बनाओ कि सारे लोग जो है वो मतलब इक्वली साथ में रह सके, ठीक है। सो येस, डैट वॉज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक दिट। थैंक यू वेरी मच।